दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आप लोगों ने यामा की स्पोर्ट बाइक और स्ट्रीट बाइक के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन क्रूजर बाइक के बारे में काफी कम सुना होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम वैरायटी है यामा के पास क्रूजर कैटेगरी में, और उन सब कैटेगरी में एक बाइक आती है जो है 2021 यामाहा बोल्ट आर, जो कि एक प्रॉपर क्रूजर बाइक है लाइक अमेरिकन के हिसाब से। एंड ये बाइक प्रॉपर अमेरिकन क्रूजर को जस्टिफाई करती है। आज इस वीडियो में 2021 यामाहा बोल्ट आर की सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर बात करें तो यामाहा बोल्ट आर दो कलर कॉम्बिनेशन में आती है, डेट इज मेटेलिक ब्लैक, एंड दूसरी गाड़ी आती है ग्रेइश ब्लू मेटेलिक। दो कलर कॉम्बिनेशन है। यामाहा बोल्ट आर में प्रीमियम क्वालिटी का आपको 19 इंच के फ्रंट व्हील एंड 16 इंच के रियर व्हील देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको काफी अच्छे डायमंड कट अलॉयस के तरह देखने को मिलता है, विद आपको ट्यूबलेस टायर भी देखने को मिलता है इस कार में। और बेस वेरियंट में आपको वायर और बोले तो स्पोक व्हील वेरियंट भी आपको देखने को मिलता है इस गाड़ी में। रेट्रो स्टाइल में आपको राउंड हेडलाइट, राउंड टेल लाइट, सर्कुलर इंस्ट्रूमेंटेशन, टीयर ड्रॉप शेप फ्यूल टैंक, स्प्लिट सीट, और जिसका डिजाइन थोड़ा बॉबर टाइप का देखने को मिलता है। बॉबर काफी ज्यादा फेमस है इन क्रूजिंग बाइक। वही अगर मैं हार्डवेयर सेटअप की बात करूं तो यामाहा बोल्ट आर 2021 में आपको मिलता है डुअल क्रेडिट फ्रेम। फ्रंट में आपको 41mm का आपको टेलीस्कोपिक फोक, और रियर में मिलता है 2N गैस चार्ज शॉक एब्जॉर्बर। एंड यामाहा बोल्ट आर ब्रेकिंग हैंडल विद आपको फ्रंट में देखने को मिलता है 298mm, एंड यहाँ पे आपको मिलता है डुअल चैनल ABS एज अ स्टैंडर्ड। कैब वेट की बात करें यामाहा की तो बोल्ट आर में आपको देखने को मिलता है 252 kg, जो कि थोड़ा हेवियर साइड है, लेकिन हेवियर साइड नहीं भी है। क्यों नहीं है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वही बात करें यामाहा बोल्ट आर की, तो यहाँ पे जो इंजिन है वो थोड़ा प्रीमियम है, इसलिए इसका जो इंजन है वो है 942cc का V2N इंजन है, और ये लेकिन एयर कूल्ड के साथ आती है, फ्यूल इंजेक्शन के साथ तो है ही है, यूरो 5 नॉर्म्स के साथ भी आती है। एंड जो पावर आउटपुट निकालते हैं 54 bhp का एट द रेट 5500 rpm, और जो टॉर्क देखने को मिलता है डेट इज 80 Nm का टॉर्क एट द रेट 3000 rpm। यहाँ पे जो गियर बॉक्स यूज हुआ वो हुआ है 5-speed ट्रांसमिशन। एंड आप लोग सोच रहे हो इसमें 5-speed ट्रांसमिशन क्यों है जब इतना हाई सीसी बाइक है। वेल, इसको काफी रिलैक्स मोड में चलाने के लिए बनाया जाता है, इसलिए इस गाड़ी का टॉर्क भी इनिशियल देखने को मिलता है, पावर भी काफी इनिशियल देखने को मिलता है। ये हाई बैंड के लिए बनी नहीं है, इसलिए इसमें सिर्फ 5 ही गियर दिया है। और यहाँ पे जो ड्राइव यूज होता है, मतलब जैसे हमारे इधर यूज होता है चेन ड्राइव, तो यहाँ पे इस गाड़ी में यूज होता है बेल ड्राइव, जो कि इजी गोइंग क्रूजर के लिए बेस्ट रहता है। यामाहा टोटल आप लोग को पता है ये एक जापानीज कंपनी है, एंड ये जापानीज में लॉन्च हुई है, तो 10,45,000 जापानीज येन के हिसाब से अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करता हूँ तो 7.14 lakh इस गाड़ी का एक्सशोरूम प्राइस होगा। बट इट इज नॉट कम टू इंडिया, ये अभी फिलहाल अमेरिकन के लिए आई है। विद इन नेक्स्ट ईयर जब पैंडेमिक थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा, देन कंपनी विल डिसाइड टू लॉन्च दिस बाइक इन इंडिया एनी टाइम एनी सून। शायद वो स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मिड में हो सकता है, एंड में हो सकता है, लेकिन इंडिया में जरूर आएगी। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।